तो राहुल गांधी से मुद्दत कर रहे थे, आपने सुना, ये आपको सीधे लेकर चलते हैं। जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं, श्री गौरव भाटिया जी हैं, और निरंतर आप जिसको सुर्खियां बना रहे थे दो तीन दिनों से, ऐसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, समाजसेवी और सांसद, लगातार दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा की माननीय सदस्य रह चुकी श्रीमती जयाप्रदा नाहटा जी अपने बीच हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय भूपेंद्र जी से और माननीय अनिल बलूनी जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस सभागार में श्रीमती नाहटा को आप पार्टी का सदस्य। सादर अनुरोध है ऐसे शुभ अवसर पर माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय भूपेंद्र यादव जी, मित्रों, जयप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं, अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में। हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है उससे सब परिचित हैं, और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। लंबे समय से अपने इस सांस्कृतिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन में लगातार लोगों के बीच में वो काम करती रही हैं। आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में जिस प्रकार से देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए सरकार चली है, उन उद्देश्य और नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी तरफ से ये ऑफर किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और देश के इस राजनीतिक परिदृश्य में वो कार्य करना चाहती हैं। हमने उनका स्वागत किया है, पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। मेरा निवेदन है जयाप्रदा जी से, आप भी 2 शब्द रखें। जयाप्रदा जी, सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया पत्रकार बंधु, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपको पता है इससे पहले मैं NTR जी के साथ तेलुगु देशम में थी, उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई,
आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ एसपी में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। और आज मैं अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुंचना था, वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चला जा, चला जा।